Hello everyone, my name is Bhavani Kumawat. I am a qualified chartered accountant. Today I am here to discuss some last strategies for your exams. 1.5 day strategies and last के भी जो 15-15 days बचे हुए हैं जो most crucial होते हैं हर exam के लिए उसके लिए कुछ strategies discuss करेंगे. It will be very quick video, 5-10 minute का ताकि आपका ज़्यादा time भी नहीं लगे. तो basically अगर मैं बात करूँ तो आपके पास time कितना बचा, अगर मैं ये 22 से काउंट करूँगा, 22 से लेके अभी आपके जो 5 तारीख को जो सी ए फाइनल का एग्जाम है और 6 तारीख से, तो टेक्निकली आपके पास 15 डेज बचे हैं. 15 डेज में से जो लास्ट के 1 से लेके 5 तारीख तक का है जो टाइम और 6 तारीख तक का टाइम है वो आप फर्स्ट पेपर के लिए अलोकेट करोगे, और बाकी के जो 9 डेज बचे हुए हैं अभी वो आप अलोकेट करोगे हर एक अपने खुद के पेपर के लिए. खुद के पेपर का अगर ग्रुप 1 है या फिर ग्रुप 2 है तो उसके हिसाब से, और दोनों ग्रुप का ही बताऊँगा तो ग्रुप 1 है तो आप 3 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट ले लो और उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करो. रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर आपके ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के अंदर अगर आप बात करोगे तो लास्ट पेपर जो होता है वो लॉ का होता है, तो लॉ को अभी कल से स्टार्ट करो, उसको 3 दिन दो, देन ऑडिट लो, देन एसएफएम, एंड देन फिर आपका वो 5 डेज वाला पेपर आ जाएगा फर्स्ट वाला. ठीक है, सिमिलर गोज विद ग्रुप 2. लेकिन अगर आपका दोनों ग्रुप है तो दोनों ग्रुप के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. 1.5 डेज आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए दो जो भी आपको हार्ड लगते हैं, ग्रुप टू के जो एकदम हार्ड लगते हैं, तो आप उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी आपको एकदम ऐसे लगता है कि जो रिकॉल नहीं होंगे 1.5 डेज में उनको एकदम अच्छे से कर लो, साथ में उनके आरटीपी एमटीपी भी कर लो. देन उसके बाद में आपके पास अगर दो सब्जेक्ट अगर आपके पास दो सब्जेक्ट चले गए तो उसके बाद में आपके पास बचते हैं बाकी के ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट. तो ग्रुप 1 के जो 3 सब्जेक्ट है उनको 2-2 डेज अलोकेट करो और अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करो. 2-2 डेज के अंदर आपको करना क्या, 2-2 डेज के अंदर आपको अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो ये जो डेज हैं 3 डेज इसमें करना क्या, अगर आपके एक ही ग्रुप है तो 3 दिन के हिसाब से आपको 2.5 डेज के अंदर पूरा सारा सब्जेक्ट खत्म करना है. एंड देन उसके बाद में यू हैव टू राइट वन पेपर. अगर आपके पास अपने पेपर ऑलरेडी पहले लिख चुके हो और आपको फिर से नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं है, आप उसमें आरटीपी एमटीपी वगैरह अपनी चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करो. और जैसे ही ये जो 3rd दिन है या फिर जो भी आपका 1.5 डेज है या फिर जो भी आपका 2 दिन वाला जो टाइम लिमिट जो अभी ये 9 दिन का बता रहा हूँ, जैसे ये खत्म होता है जिस दिन अगर आपका सेकेंड डे खत्म हो, सेकेंड अगर 2 दिन वाला अगर आपका लिमिट है तो 2 दिन के अंदर आपका खत्म होता है तो 2 दिन के जो लास्ट डे रहेगा उसके अंदर आपको 1.5 डे का स्ट्रेटेजी बनाना है कि जैसे अगर हम लोग एग्जाम देके आते हैं तो हमको क्या कौन सा टॉपिक क्या क्या पढ़ना है करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1.5 डेज के अंदर. क्योंकि हमारे पास होता है कि हम लोग हसल में रहते हैं कि क्या अभी आ गए एग्जाम से कुछ भी उठा लिया, लाइक अगर एसएफएम अगर एपर का पेपर दे के आए एसएफएम के बाद में आ गए और डायरेक्ट पोर्टफोलियो उठा लिया, पोर्टफोलियो होता रहा वो 7 घंटे लग रहे 8 घंटे लग रहे, तो वैसा नहीं. यू हैव टू लाइक अभी प्लान कर लो उसको, अभी आपका जो 9 दिन है उसके हिसाब से आप प्लान कर लो कि मेरे को 1.5 डेज में कौन सा चीज़ कैसे करना है एग्जाम के आने के बाद में करके. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये तो आपके 9 डेज की हो गई, और वो 5 डेज की स्ट्रेटेजी तो आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है वो, तो आप क्योंकि 5 डेज है तो बहुत ही इनफ टाइम होता है तो आप अपने हिसाब से वो प्लान कर सकते हो जितना भी आप स्टडी करते हो. ठीक है, उसके हिसाब से. देन उसके बाद में अगर मैं 1.5 डेज की बात करूँ तो आपने अगर ये चीज़ पहले अभी आपने पहले प्लान कर ली, ठीक है, 1.5 डेज में लेट से आपने एफ आर का पेपर दे दिया एंड देन यू केम बैक होम और आप 6 बजे के बाद में लेट से आप 7:30 बजे बैठते हो, 7:30 बजे आप पढ़ने बैठे, टॉपिक्स आपको कैसे लेने हैं अभी जो सिलेक्ट करोगे टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, टॉपिक्स आपको एकदम इजी वाले सिलेक्ट करने हैं कि जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हों, क्योंकि एग्जाम देने के आते हैं कभी कभी डीमोटिवेशन सा हो जाता है और ये सब चीज़ होती है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कैसा है कि लाइट टॉपिक लेंगे ना तो हमको इतना बर्डन नहीं आएगा. अगर हैवी टॉपिक्स ले लेंगे लाइक पोर्टफोलियो हो गया, अगर एसएफएम का ये सब मर्जर एक्विजिशन हो गया ये सब ये बड़े बड़े टॉपिक्स ले लेंगे ना तो अपने को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कैसा होगा इजी टॉपिक्स ले लो लाइक जो म्यूचुअल फंड हो गया ये सब इजी टॉपिक्स है, तो ये सब चीज़ पहले उठा लो और इनको कंप्लीट करो. ठीक है, अगर आपने टारगेट रखा है कि हाँ जिस दिन में एग्जाम लेके आते हैं हम लोग और उस दिन हमको 3 टॉपिक्स करने हैं, 3 के बदले अगर 2 भी हुए तो वेल एंड गुड, तो वो उस दिन करना है, उसके नेक्स्ट डे का आपने स्ट्रेटेजी भी बना रखा है. एग्जाम डे पे आपको करना क्या है बेसिकली कि जब भी आप घर से निकलोगे उसके 1 घंटे पहले आपको एटलीस्ट जो आप भी आरटीपी एमटीपी देखोगे आप ये जो 9 डेज के अंदर जो बता रहे हैं बताया मैंने स्ट्रेटेजी उनकी जो इंपॉर्टेंट सब जो आप अभी मार्क कर लेना और वो खाली लास्ट डे के जो जब ये एग्जाम देने जाओगे उसके 1 घंटा पहले वो एटलीस्ट देख के जाना क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. तो ये अपनी 1.5 डे की स्ट्रेटेजीज हो गई. अब होती है कि लास्ट स्ट्रेटेजी मतलब जिस दिन एग्जाम है वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो, तो उसके अंदर कैसे करना है कि लाइक अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको है ना 15 मिनट्स में सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल या थ्योरी हो किसी के अंदर भी सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स देन एग्जामिनेशन एंड देन आपको बाकी का पेपर
जितना भी अच्छे से आता है वो आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से। तो सबसे पहले 40 मार्क्स पर फोकस करना है। कभी भी क्वेश्चन पेपर आता है 15 मिनट के अंदर, तो आपको ये रीड करना है कि मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जितना आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट आते हैं, एकदम बेस्ट जो आपको आते आते। देखो 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि मतलब आपको आएंगे ही आएंगे, मतलब आपको 40 मार्क्स जितना तो आपको आएगा ही आएगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन कब होगा कि भाई 40 मार्क्स के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन वंस मेरे को बिलीव ये करना कि वंस आप 40 मार्क्स का अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना अच्छे से, देन आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बनता है, जो नई भी चीज़ें आती है ना वो भी ऑटोमेटिकली आपके फ्लो होने लगती हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे को वो 2 क्वेश्चन कौन से, 15 मिनट के अंदर आपको वही करने के, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने मेरे को अच्छे से कौन सा आना है, और वो आपको लिखना चालू करना करके, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आपका अच्छे क्वेश्चन होंगे ना उनको आप थोड़ा सा डिसेंट तरीके से लिखना करके, कि ताकि एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़े, थोड़ा काटा वाटी मत करना, और हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि ऐसा कुछ ना हो और डिसेंट तरीके से लिखना। मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरे को आता तो मैं थोड़ा एक्साइट होकर लिखता हूँ तो उसमें मिस्टेक होने का भी चांसेस होता है करके। तो आराम से लिखने का, उसको 1 घंटा 40 या 50 मिनट्स अलॉकेट करने का, देन उसके बाद में धीरे धीरे फ्लो बनता जाएगा अपना, एंड वी विल बी लाइक एक अच्छी पोजिशन पर जाएंगे। क्योंकि वंस यू आर कॉन्फिडेंट ना, तो अपने को जो नई भी चीज़ें आती है ना वो भी अपने को आने लगती है, ठीक है। तो ये आपके लास्ट डे का स्ट्रेटेजी हो गया। अगर मैं बात करूँ आपको जिसमें एमसीक्यू भी आते हैं और थ्योरी वाले पेपर्स, तो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी पेपर के अंदर अगर आपको लगता है कि अगर आपने 15 मिनट्स के अंदर लेट से आपने क्वेश्चन बुक पढ़ा है और आपको लगता है कि मेरे को तो उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो कुछ नहीं आ रहा, तो सिंपली यू हैव टू जंप टू दैट एमसीक्यू वाला पार्ट। एमसीक्यू वाले पार्ट पे आपको क्या करना है कि 10 से 15 मार्क्स का जो 15 से 20 मार्क्स का आपको एमसीक्यू आपको आराम से आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो वो आपको लिख लेना है करके, और वो 30 मिनट्स एमसीक्यू के लिए एलोकेट करो। 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स आप एलोकेट करो, जिसमें आप 15 मार्क्स का लिखो, 20 मार्क्स का लो, जितना बाकी का जो है वो छोड़ दो। अगर आपको कॉन्फिडेंट है या फिर बेस्ट टू बेस्ट आंसर है तो उसको मार्क कर दो, उसको लास्ट के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो, मतलब बाकी का, क्योंकि यू आर लेफ्ट विद योर 70 मार्क्स का पेपर ऑल्सो। तो अभी ये हो गया, उसके बाद में आप 70 वाले मार्क्स पे आओ। उसके बाद में आपको करना क्या है कि जैसे आपका एमसीक्यू हो गया 15 से 20 मार्क्स का, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे अभी आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें को 15 से 10-15 मार्क्स का तो मैंने एटलीस्ट लिख चुके हैं हम लोग, तो मेरे को पास होने के 25 चाहिए या फिर ऐसा भी जो भी आपका मार्क्स स्कोर हुआ रहेगा उसके हिसाब से, तो अभी आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके ना वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना चालू करो जो आपको एकदम आते हैं करके, और आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आदमी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आती है कि हाँ अभी मैं और कर सकता हूँ, और अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस रखने का कि जब भी मैंने इतने 1 साल से पढ़ा है या फिर 8-9 महीने से 6 महीने से जब से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इतने दिन से जब पढ़ ही रहे हैं तो ये है ना कि मतलब इतने दिन से पढ़ लिया हम लोग ने, तो ऐसा क्या चीज़ आ गया कि एग्ज़ाम के अंदर हम लोग को आ ही नहीं रहे हो, तो ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। तो आप सिंपली वो आइडेंटिफाई करना चालू करो कि वो कौन सा आता है, भले 1 क्वेश्चन का 2 पार्ट आता है तो उसको लिखो, जितना आता उतना लिखो। पहले तो 40 मार्क्स पर आपको एकदम करना ही, मतलब स्टार्टिंग का जो 1 आवर है ना उसके अंदर आपको 40 मार्क्स तो कैसे भी क्रॉस करना है, कैसे भी मतलब वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ना उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करके करना करके, ठीक है, या फिर नहीं भी करना तो डायरेक्टली सिंपली फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद में अगर कभी कभी होता है कि पेपर हार्ड आ गया या फिर ऐसा, तो हार्ड जो आता है पेपर वो सबके लिए हार्ड आता है, अपने अकेले के लिए हार्ड नहीं आता। तो सबसे पहले बोलने का कि इसको नहीं आ रहा, इसके लिए मेरे लिए हार्ड आया तो इसके लिए भी हार्ड आया, और जो टॉप रैंक आएगा उसको भी उसके लिए भी हार्ड आया। तो आपको सबसे पहले ये करना क्या है इसके अंदर कि वो चीज़ें आइडेंटिफाई करो कि कोई कितना ही पेपर हार्ड आ जाए, आपके कम से कम 40 से 50 मार्क्स का पेपर तो आपको आने वाले जैसे ही आता है। लेकिन अगर कैसा होता है ना हार्ड बोल बोल के ना वो चीज़ें इतनी हार्ड हो जाती है कि अपने दिमाग में हार्ड ही रह जाता है, वो ईजी वाली चीज़ें दिखती नहीं अपने को। तो ऐसा कभी भी पेपर आता है ना तो अपने को स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में कैसा करना है कि पैनिक हो गया ठीक है, उसके बाद में आपको 10-15 मिनट का 5 मिनट का एक पॉज ले लेने का, और फिर आइडेंटिफाई करने है कि मेरे को आता क्या है इसके अंदर से, तो मेरे को वो आइडेंटिफाई और जैसे आप आइडेंटिफाई करने लगोगे ना आपको चीज़ें आने लगेंगी, और मतलब 40 मार्क्स का तो आपको आ ही जाएगा। तो आपको वो जो चीज़ें हैं 40 मार्क्स की वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 1.5 आवर में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। देन आपका फिर 1.5 आवर जो बचेगा उसके अंदर आपको क्या करना है कि वो दिमाग लगाना चालू करना है करके। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं नवंबर 2020 में क्लियर हुआ हूँ सीए, तो उसके अंदर SFM का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट सा आया था, थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा आया था, तो उसके अंदर कैसा होता कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया था। तो ऐसा है कि अगर यू हैव टू पास ना तो आपको वो 3 घंटे तो पूरे के पूरे बैठना ही पड़ेंगे, और आपको एक अंदर से बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं इतने साल से पढ़ा है तो मैं 1 घंटे में छोड़ के क्यों चला जाऊँ, मैं मतलब तो लास्ट एंड पे मैं बाहर क्यों चले जाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखो कैसा है कि बहुत सारे लोग आपके सामने चले भी जाएंगे जिनको हार्ड लगेगा,
तो वो कैसा है कि वो चले जाएंगे तो चले जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएंगे डायरेक्ट, लेकिन आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आना नहीं है, आपको बस ये करना है और आपको क्लियर होना है कैसे भी करके। तो आपको वो 1 से 1.5 घंटा आपको शांति से आराम से अपना माइंड लगाना है, पीछे वर्किंग वर्किंग करना है, जो भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा, जो भी आपने कंसेप्ट अगर आपसे अच्छे से पढ़ा है ना, तो वो कंसेप्ट से आपके काम आएंगे, मेन तो कंसेप्ट है आपके, तो वो कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो वो कंसेप्ट आपके एकदम अच्छे से काम आ जाएंगे, उनको अप्लाई करना है। और ये एक मैंने ब्रीफ अपना एक स्ट्रेटेजी बताया कि मतलब कभी भी ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन सा होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो अपने को एक ये बिलीव रखने का कि लाइक मेरा एक पेपर ख़राब चला गया, तो अभी ये बिलीव रखने का कि मेरे पास आगे भी तो और पेपर है, ये पेपर थोड़ी था, ठीक है आपने ये पेपर के लिए कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कभी कभी ऐसे गूगली गूगली मार देता है कि ये पेपर हार्ड दे देता है एक ईजी दे देता है करके। तो ऐसा है कि हार्ड आ गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास लाइक अगर आप ग्रुप 1 ही दे रहे हो तो एक पेपर हो गया ख़त्म हो गया लेकिन अच्छा नहीं गया, ठीक है सेकंड पेपर है आपके पास, सेकंड पेपर भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं गया, थर्ड फोर्थ पेपर है, यू नेवर नो ना कि आपके लिए कौन सा बॉल है जिसपे आपको सिक्सर मारना है करके। आपको तो चारों चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि मेरे को जो बॉल मिलेगा मैं उसको सिक्सर लगा दूंगा, मतलब एक बॉल पे तो लग ही जाता है कभी ना कभी एग्जामिनेशन वाला सिक्सर, तो वो करने का और वो एक मोटिवेशन रखने का अंदर। और अभी आपने इतने साल से पढ़ा है एंड इतना दिमाग लगाया है किसी अपना क्या बोलते हैं उसको आर्टिकलशिप में हो अगर आप, और अगर फाइनल की मैं बात करूँ तो टिपिकली फाइनल की बात करूँ तो अगर आपने आर्टिकलशिप में इतना दिमाग लगाया है, आर्टिकलशिप में मतलब आपने ना सब चीज़ आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, तो आपके अंदर ना सब चीज़ है, वो कैपेबिलिटी है, तो सीए फाइनल के अंदर वो सभी चीज़ ज़्यादा टेस्ट हो जाती है। बस कल वो 3 घंटा आपको डटना है, एकदम अच्छे से लिखना है, अपने आपको ये बिलीव दिलाना है कि हाँ जब दूसरा कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो 3 घंटा आपको बैठना है, 3 घंटा बैठ के आपको एकदम अच्छे से लिखना है करके। ये चैनल जो है वो मेरे फ्रेंड का है अजय मिश्रा का, तो ये अगर आपको इस पर कुछ भी और हेल्प चाहिए, हम लोग की कुछ भी हेल्प चाहिए, तो वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। कभी भी आपको कुछ भी चाहिए अभी भी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या फिर अभी भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजीज और बनानी है आपको, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। ओके और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन थैंक यू, अगर आप लास्ट तक हो तो थैंक यू, और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिएगा इसके साथ।